नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा हैशटैग अलाइव मूवी के बारे में, जो एक कोरियन मूवी है। आप लोगों को ये नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। कहानी की बात करते हैं। कोरिया में अचानक एक वायरस फैल जाता है। इसमें ज्यादा कुछ बताया नहीं गया कि वायरस कैसा है, कैसे फैला, ऐसा कुछ नहीं इसमें दिखाया गया। इसमें अचानक से ज़ॉम्बी दिखाए गए कि एक वायरस फैलता है जिससे क्या होता है कि लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। अब ये मूवी एक लड़के के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है। वो लड़का अपने घर में होता है, एक बहुत ऊंची बिल्डिंग में रह रहा होता है। तभी वो देखते हैं कि जब नीचे वो देखते हैं कि लोग एक दूसरे को खा रहे हैं, और उससे खाने के बाद लोग एक दूसरे को मतलब ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहे हैं, और तब वो घर में ही बंद रहना शुरू कर देता है। उसका परिवार वहां पर नहीं होता, उसका परिवार बाहर होता है। तो वो जब घर में रहना शुरू करता है, तब उसके सामने प्रॉब्लम आती है कि खाना खत्म हो जाता है, पीने का पानी भी खत्म हो जाता है, और फिर साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि जो उसका परिवार था, उसकी माँ, उसकी बहन, उसका पिता जो है उनकी भी डेथ हो चुकी है, उनको ज़ॉम्बी खा चुके हैं। तब ये डिसाइड करता है कि यार अब उसे क्यों रहना है यहाँ पर, मतलब उस मतलब दुनिया में क्यों रहना है। तो वो भी डिसाइड करता है सुसाइड करने की, और वो कोशिश भी करता है। लेकिन उसी के सामने एक बिल्डिंग में एक लड़की रह रही होती है, जो खुद अब काफी टाइम से उसी रूम में, उसी घर में बंद है। तो वो इसको इशारा करके कहती है कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुझे सर्वाइव करना चाहिए। तो इसको हौसला मिलता है, उसको पता चलता है कि यार उसी की तरीके से एक और लड़की मतलब जिंदा रहने की कोशिश कर रही है, तो वो क्यों नहीं कर सकता। और उससे एक मतलब होता है ना कि यार ऐसे एक महामारी के टाइम में हमें कोई साथी मिल जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ लड़के को लड़की मिल गई, ऐसा नहीं है। लड़के को भले वहाँ पर लड़का होता, तो एक तरीके से हमारे सामने एक ऐसा जिंदा दिल हम देखते हैं कि यार वो अगर सर्वाइव कर रहा है तो मैं क्यों नहीं सर्वाइव कर सकता। तो एक अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ पर दिखाया गया कि हाँ उसमें हिम्मत आती है, वो जिंदा रहने की फिर कोशिश करता है। और अब इसमें एक कॉन्सेप्ट भी डाला गया, आप उसे फनी कह लो या इंटरेस्टिंग कह लो। अब ये वो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो लड़का है वो यूट्यूबर है, और जब ये महामारी फैली या एक तरीके से वायरस फैला, लोग ज़ॉम्बी बन रहे थे, कोई भी ज़ॉम्बी जब एक दूसरे को काटता है, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है जो स्वस्थ होता है, वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। ऑलरेडी ये ज़ॉम्बी का जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से पता होगा। तो क्या होता है कि ये यूट्यूबर होता है, तो अपनी एक वीडियो बनाता है। जब ये देखता है तो ये उस वीडियो में कहता है कि मैं जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं खुश नसीब हूँ कि मैं अब तक जिंदा हूँ। तो ये जब बाय कहता है तो कहता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मुझे हंसी आई कि मैं यार तुम्हारा इस वक्त हाल ये है कि लोग मर रहे हैं, बाहर ज़ॉम्बी है, तुम्हारे घर के बाहर ज़ॉम्बी खड़ा है, और तुम सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हो यार। और इस लड़के का एक गेमिंग रूम भी दिखाया गया है, जिसमें अपने दोस्तों के साथ गेमिंग खेलता है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यार वो गेमिंग रूम कमाल का था। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इन्होंने एक और डाला है, वो ये डाला है कि टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि सारी चीज़ें वायरलेस हो चुकी हैं, और यहाँ पर 3.5 mm जैक, जो हमारा बहुत प्यारा आजकल मोबाइल में फ़ोन में आ तो रहा है, लेकिन जो है वो जो ईयरफोन है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। 3.5 mm जैक जो है वो धीरे धीरे अब गायब करते जा रहे हैं फ़ोन में से। तो एक तरीके से उसकी अहमियत भी इस मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है। ये कुछ इंटरेस्टिंग है कि 3.5 mm की अहमियत दिखाना, और इसके थ्रू हम कंपनी जो है वो जो फ़ोन बनाने वाली कंपनीज है उनको हम ये कह सकते हैं कि देखो यार हमसे हमारा 3.5 mm जैक मत छीनो, वरना जब ज़ॉम्बीज अटैक करेंगे इस धरती पर तो हम हमारी रक्षा कैसे करेंगे। अब तुम समझना यार ये मैंने ये बात क्यों बोली है, इस चीज के लिए तो आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब इस मूवी को मैं कंपेयर करना चाहूंगा ट्रेन टू बुसान मूवी के बारे में, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। तो अब इस मूवी में देखो यार, इसके अंदर कुछ नयापन नहीं है। ट्रेन टू बुसान काफ़ी अच्छी मूवी थी, जिसके अंदर हमें डर का एहसास होता है, लेकिन इस मूवी में कुछ एक जगह जहां हमारी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। अब जो लड़का जिस बिल्डिंग में ठहरा हुआ है, उसके सामने जो लड़की जिस बिल्डिंग में रह रही है, वो भाग कर इस लड़के के साथ उसी बिल्डिंग में आ जाती है, और अब दोनों देखते हैं कि भी कैसे इन ज़ॉम्बीज से बचते हैं, कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं उसी बिल्डिंग के अंदर। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए तो आप लोगों को मूवी देखनी पड़ेगी। मैं हर एक चीज़ तो इसमें नहीं बता सकता, क्योंकि एक रिव्यू चैनल है, तो मैं नहीं चाहता कि रिव्यू में कोई मैं स्पॉइलर आप लोगों को दे दूं। परफॉर्मेंस की बात करूं तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, और कॉन्सेप्ट तो वही पुराना है ज़ॉम्बीज को लेकर। और रेजिडेंट ईविल अगर आप लोगों ने देखी है, तो यार वो एक जो मूवी थी ज़ॉम्बीज को, और जो वायरस जो उस टाइम फैला था यार, मतलब उस मूवी में दिखाया गया, वो मेरी वन ऑफ द बेस्ट ज़ॉम्बीज मूवीज में से एक है, या मैं कहूँ कि वो वन ऑफ द बेस्ट मूवी ही है मेरे लिए ज़ॉम्बी के। और वहीं से एक जो डर क्रिएट हुआ था मेरे, मतलब कि जब मैंने पहली बार ज़ॉम्बी को वहां पर देखा, यार ऐसे आते हैं यार, ऐसे बने थे यार, उसके ऊपर जो मैंने गेम खेली हुई यार, वो मूवी देखी हुई, और वो तो यार कमाल की, उसकी जगह तो यार जैसे कोई ले ही नहीं सकता। तो उस लेवल की तो शायद ही कोई मूवी अभी तक मैंने तो देखी नहीं, कोई बनी हो। खैर, इस मूवी में आप लोगों को कॉन्सेप्ट नया देखने को नहीं मिल सकता, और इसमें जो ज़ॉम्बीज हैं, आप सोचो कि ज़ॉम्बीज इसमें अलग टाइप के दिखाए गए यार, वो भी मैं नहीं कह सकता। ज़ॉम्बीज तो वही है कि वो एक दूसरे को खाएंगे, किसी दूसरे इंसान को खाएंगे तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। तो यही सब चीज़ें, बस इनमें फुर्ती दिखाई गई, वो जैसे उनमें पावर ज़्यादा है, और वो एक दूसरे को मतलब उनमें स्पीड बहुत ज़्यादा है, थोड़े समझदार दिखाते हैं, बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें नया देखने को मिल सकता है, या फिर
हम समझे कि यार ये तो बहुत सारी मूवीज में जो नई नई ज़ॉम्बीज बनती हैं उसके अंदर देखने को मिल ही जाते हैं। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 5 out of 10 सर। अगर किसी ने मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ वन टाइम वॉच है ये मूवी। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।